गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। अब हम लोग जा रहे हैं जोधपुर से वापस केसी सिंहपुर। वैसे तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं ये शूट नहीं लूँगा, लेकिन सोच रहे हैं क्योंकि अभी एक राइड का पार्ट है, जोधपुर तक आए हैं तो वापस जा रहे हैं। रूट हमारा चेंज है, आते वक्त हम लोग आए थे वाया सत्तासर, बिक्रमपुरा, फलोदी, रामदेवरा। अब वापस हम लोग जा रहे हैं जोधपुर से नागौर बीकानेर होते हुए, तो एक अलग रास्ता, इसको भी शूट करते हैं। तो रास्ते के अंदर रुकते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं नागौर। नागौर के बार बार बनी हुई एक गौशाला, जो कि अपने एरिया के अंदर कहें तो पशुओं के लिए मंदिर से कम नहीं है, जहाँ पर हर तरह के बीमार पशु यहाँ से 150 से 200 किलोमीटर की दूरी के अंदर इन्हें सूचना मिले तो ये वहाँ से लेके आते हैं, उसका इलाज करते हैं। कोई व्यक्ति किसी पशु का इलाज करवाने में असमर्थ हो, वो भी यहाँ कॉल करे तो ये उसके घर से ही पशु को लाते हैं, उसका इलाज करते हैं, सही होने के बाद छोड़ आते हैं, या व्यक्ति ले जा पाए तो ले जाते हैं। तो चलते हैं, आपको एक मंदिर कहीं, भगवान का दर कहीं दिखाते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों, ये थी नागौर की गौशाला, आपने देखा बहुत ही अद्भुत। ऐसा कोई बीमार गौवंश नहीं है जो यहाँ नहीं लाया था, चाहे उसे कैंसर है, उसकी लाद नहीं है, उसे कोई और बीमारी है, वो आईसीयू वार्ड में भर्ती होने लायक है, तो भी इन लोगों ने हर तरह की व्यवस्था यहाँ कर रही है। यात्रियों के रहने के लिए व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था, उनके जल पान की व्यवस्था। मैं कहता हूँ इस गौशाला को यदि 10 में से पॉइंट देने की बारी आए तो हम लोग देंगे 15, क्योंकि ऐसी कोई कमी नहीं है जो यहाँ निकाली जा सके। बाकी लोगों से भी मेरी ये अपील रहेगी कि अपने एरियाज के अंदर गोवंश की मदद करें, क्योंकि वो ऐसे प्राणी हैं जो बोल नहीं सकते लेकिन दर्द सबको होता है। और गौ को वैसे भारत के अंदर तो पूजा भी जाता है, तो थोड़ा बहुत ऐसे हमें भी अच्छे काम करने चाहिए। तो एक अपील सबसे कि अपने एरिया के अंदर बीमार गोवंश की हमेशा मदद करते रहें। तो अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नागौर से वापस, अब चलेंगे बीकानेर,
पहले कुछ नाश्ता करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग रुके हुए हैं नागौर श्री गंगानगर या बीकानेर बाईपास के ऊपर एक होटल के ऊपर। होटल का नाम है श्री कान्हा जी। जब आए थोड़ा सा हम एक्सपेंसिव लगा, लेकिन जो ऑर्डर दिए, फूड क्वालिटी, प्रेजेंटेशन सब बहुत अच्छा। कभी आए तो यहाँ ज़रूर रुके। अभी हम लोग करते हैं नाश्ता, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। हमने नाश्ते के अंदर मंगाया ब्रेड पकौड़ा, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स। करते हैं इंजॉय, चलते हैं। दोस्तों हम लोग आपके सामने निकले वहाँ से, गौशाला से नाश्ता किया बीकानेर की तरफ। बीकानेर आते हो तो रास्ते के अंदर आए देशनोक, तो सोचा जब आ ही गए हैं तो माँ करणी का आशीर्वाद लें, तो चलते हैं देशनोक मंदिर, कुछ व्यूज़ लेते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो दोस्तों अभी आपको दर्शन करवाए माँ करनी के, माँ करनी के जीवन से रिलेटेड एक संग्रहालय भी यहाँ बना हुआ, जो पिछली बार हमने नहीं देखा था, हमें नॉलेज नहीं थी। अब की बार आपको वो भी दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी छा, जय माता दी। तो अभी हम लोग यहाँ से कुछ नाश्ता करते हैं। पहले नाश्ता किया है लेकिन गोलगप्पे देखे मन उतावला हुआ। पांडे भाई कह रहे हैं कि गोलगप्पे खाएँगे, तो चलते हैं गोलगप्पे खाते हैं, फिर अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड। वैसे तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अब जो घर के लिए निकल चुके थे तो दोबारा लाइव क्यों हुए, क्यों वापस आए कैमरे के सामने। तो रास्ते के अंदर हमारा प्लान थोड़ा चेंज हुआ। हम लोग बीकानेर से जा रहे हैं पुनरासर। पुनरासर शायद हो सकता है हमें से काफ़ी लोगों ने नाम भी ना सुना हो। पुनरासर एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर बालाजी का एक प्राचीन मंदिर है। आई थिंक मुझसे पहले कोई राइडर वहाँ गया भी नहीं होगा, तो फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं वहाँ। तो थोड़ी देर के अंदर आपको मिलते हैं पुनरासर के अंदर और बताते हैं आपको वहाँ की विशेषताएं वहाँ के बारे में। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पुनरासर गांव। पुनरासर के पहले बना हुआ माँ अंजनी का मंदिर, तो वहां आए हैं, आपको करवाते हैं माँ अंजनी के दर्शन। ये मेरे पीछे बना हुआ मंदिर, तो चलते हैं अंदर।
तो एक अद्भुत कलाकारी का नज़ारा। आज के टाइम के अंदर ऐसी कलाकारी बहुत कम देखने को मिलती है, फिर भी पता नहीं कैसे किन कारीगरों के द्वारा यह मंदिर बनाया गया, लेकिन मैं कहता हूँ दिल को खुश कर देने वाला एक व्यू। और बाकी यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा किया गया काम, आसपास की ग्रीन टी, मंदिर के आसपास की जो लोकेशंस तैयार की गई हैं, क्या कहना, बहुत ही अल्टीमेट वाली लोकेशंस। कभी बीकानेर साइड आना हो तो पुनरासर बालाजी के ज़रूर आएँ। यह अंजनी माता का मंदिर जो कि बालाजी महाराज के माता थे, हम यहाँ से जाएंगे हम बालाजी महाराज के मंदिर। वो मंदिर पुराने समय का बना हुआ है तो इतना भव्य नहीं है, पर फिर भी उस मंदिर के अंदर भी नव निर्माण का कार्य जारी है। जल्द ही वो मंदिर भी भव्य मंदिर के रूप में बनेगा। तो चलते हैं बालाजी के मंदिर और मिलते हैं आपसे वहीं। माँ अंजनी के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं बालाजी महाराज के मंदिर। बैक साइड में मेरे मंदिर है, तो चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं दर्शन बालाजी महाराज के। तो दोस्तों ये था पुनरासर बालाजी का मंदिर, एक छोटा सा मंदिर, छोटा सा धाम बालाजी का। साथ में आपको दिखाया अंजनी माता मंदिर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस। अब शायद ही हमारा कोई स्टॉपेज बने, रास्ते में रुके तो खाने के लिए रुकेंगे, नहीं तो चलेंगे सीधा घर। सफ़र काफ़ी आनंदमय रहा। सुबह हम लोग गए सबसे पहले नागौर गौशाला के अंदर, आपको दिखाया एक आज के टाइम का आधुनिक हॉस्पिटल, जानवरों के लिए कहें तो एक जीवनदायिनी गौशाला जहाँ पे बीमार जानवरों का इलाज किया जाता है। यहाँ तक कैंसर पीड़ित जानवरों का भी वहाँ इलाज किया जाता है। उसके बाद हम लोग गए करणी माता मंदिर, फिर आपको दिखाया पुनरासर बालाजी मंदिर, जो कि शायद यूट्यूब के ऊपर पहले किसी ने शूट करके नहीं डाला हो तो हो सकता है, लेकिन कोई राइडर वहाँ नहीं गया, ये कन्फर्म है। राइडर मैं फर्स्ट ही हूँगा जो वहाँ गया। अब हम पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी देर के अंदर गंगानगर। समय आ रहा है करीब शाम के 7, तो आपसे मिलेंगे जल्द ही किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।